तो आप भी देख सकते हैं कि सीआरटी पर कौन सा फॉल्ट है जो कि हमारा ऐसा लाइन आ रहा है, यानी कि एच लाइन आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इसको रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं इसको ओपन कर रिपेयर करते हैं। तो टीवी को कैबिनेट को ओपन कर लिए और ये होगी हमारा किट। इसको ओपन करते हैं सर। सबसे पहले ऐसी फॉल्ट पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कि ये योक कॉइल हो गया, इस योक कॉइल को क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे। वो भी हॉरिजॉन्टल वायर हो गया, इसको क्या करेंगे कि हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो कि ये हमारा एक रेड वायर हो गया और ये वाला हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कि पिन है, इसको क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये योक कॉइल ओके है कि नहीं है। तो इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखें और तो हमारा बीप बज रहा है और इसको क्या करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम घुसा है और इसको चेक करते हैं तो हमारा बीप बज रहा है, यानी कि हमारा ये कॉल लगता है कि ओके है। तो इसको फिर से क्या करेंगे कि इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे कि हम बोर्ड पर चेक करेंगे। सबसे पहले फिजिकली देख लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि हम एक एक को चेक कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो कि फिजिकली देख लेंगे कि कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट तो नहीं है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस है, आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर, यह रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ रहता है। तो इसको क्या करेंगे कि हम इसमें दूसरा रेजिस्टेंस लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारा टीवी ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पार से जो कि यहाँ से यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम रेजिस्टेंस पर लगा देंगे, जो कि 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस को क्या करेंगे कि हम इसमें कनेक्ट करेंगे, जो कि ये हो गया 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। तो इसको क्या करते हैं तो इसमें कनेक्ट कर देखते हैं इसी पार से और देखते हैं कि हमारा टीवी ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिए और क्या करेंगे कि इसको हम लाइन पर लगा कर देखेंगे। तो इसको फिर से रखते हैं और चलते हैं पिक्चर ट्यूब की तरफ और देखते हैं कि टीवी हमारा ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो पिक्चर ट्यूब की तरफ आए और इसको फिर से क्या करते हैं तो लाइन पर लगाते हैं। लाइन पर लगा दिए और देखते हैं कि टीवी हमारा ओके हुआ कि नहीं हुआ। ओके नहीं होने पर फिर से हम क्या करेंगे कि हम बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो अभी भी हमारा सेम ही प्रॉब्लम है, जो कि लाइन आ रहा है, यहाँ से लाइन आ रहा है। तो इसको फिर से लाइन से आउट किए और क्या करेंगे कि हम और भी कंपोनेंट को देखेंगे, जो कि फिजिकली हमारा एक रेजिस्टेंस ही लगता है कि जला हुआ है और कंपोनेंट हमारा ओके है, जला हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि हम इसको आपको ट्रेस कर बताते कि कौन कौन सा कंपोनेंट हमारा इसमें लगा हुआ रहता है इस लाइन पर। तो यहाँ पर हमारा एक पिन हो गया, जो कि डायरेक्ट चलाता है ESD से, आउटपुट ट्रांजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर चलाता है। तो यहाँ ये हो गया और दूसरा यहाँ पर है, यहाँ से आ गए, यहाँ से यहाँ कॉइल लगा हुआ है। तो कॉइल भी हमारा ख़राब हो जाने पर हमको यह फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे कि हम इस कॉइल को चेक कर लेंगे एक बार कंटिन्यूटी। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखे हुए और सबसे पहले कॉइल को चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ पर चलाता है। यहाँ से यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, तो कॉइल भी हमारा एकदम ओके है। और यहाँ से यहाँ जम्पर लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी एकदम ओके है। और यहाँ से यहाँ डायोड हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया, जो कि एक जला हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाए हुए एक और रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को चेक कर लेते एक बार वैल्यू। तो हमारा रेजिस्टेंस भी ओके है, यहाँ से आ गए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर PF लगा और एक यहाँ से यहाँ पर भी PF लगा हुआ है, एक 12 वाला PF हो गया। तो हमारा यहाँ का रेजिस्टेंस भी ओके है और डायोड भी ओके है। और PF को क्या करेंगे कि PF तो चेक नहीं होता है मल्टीमीटर से, और तो यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ एक PF हो गया और यहाँ से यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जम्पर लगा हुआ है और चला जाता है हमारा ग्राउंड के साथ में, यानी कि ग्राउंड के साथ में उधर चला जाता है। तो हमारा इसमें हो गया, जो कि यहाँ से यहाँ पर हमारा एक कॉइल लगा हुआ है ओके है, यहाँ से यहाँ पर डायोड भी ओके, यहाँ से यहाँ पर एक PF लगा हुआ है 12 वाला। तो इसको क्या करेंगे कि ओपन कर लेंगे और इसके जगह पर दूसरा हम PF को लगा कर देखेंगे, जो कि ये वाला PF हो गया। तो इसको क्या करते हैं तो ओपन कर लेते हैं। ये PF भी हमारा क्या होता है कि ख़राब हो जाने पर, शॉर्ट हो जाने पर हमको ऐसा फर्क देखने को मिलता है। तो इसको क्या करते तो ओपन कर लेते हैं
और इसकी जगह पर दूसरा पिया फोक लगा कर देखेंगे, जो कि ये पीएफ हो गया। ये पीएफ हमारा कितना मान का है, जो कि 400 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो इतना ही नंबर का, जो कि इतना ही वोल्टेज का पीएफ को इसमें हम लगाएंगे, जो कि ये हो गया हमारा दूसरा पीएफ। ये भी 400 वोल्टेज का है, तो इसको क्या करेंगे कि इसी पार से लगा कर देखते हैं, और ठीक हो जाने पर क्या करेंगे कि हम उस पार से लगा कर देखेंगे। तो एक पिन यहाँ पर है, कनेक्ट कर देते हैं इसको, और एक यहाँ पर है। तो कनेक्ट हो गया, और क्या करेंगे कि इसको हम अच्छी तरह से रखते हैं और चलते हैं पिक्चर ट्यूब की तरफ, और देखते हैं हमारा टीवी ओके हुआ कि नहीं हुआ, जो कि पीएफ भी हमारा शॉर्ट हो जाने पर भी ऐसा फल्ट देखने को मिलता है। तो पिक्चर ट्यूब की तरफ आए और इसको क्या करते हैं, तो फिर से हम लाइन पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो आप भी देख सकते हैं सेट हमारा ओके हो गया है, जो कि लाइनिंग आ रहा था एकदम ओके हो गया है, जो कि लाइट आ गया है और इसमें हमारा ग्राफिक्स भी आ गया है। तो ऐसे फॉल्ट को क्या करेंगे कि हम ऐसे रिपेयर करेंगे, जो कि हमारा इसमें क्या ख़राबी था, तो ये पीएफ ख़राब था, पीएफ को चेंज करते हैं, हमारा जो कि सेट है एकदम ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।